निंग ऑल ऑफ यू माई सेल्फ सुभाषि फ्रॉम इसलिए सिस्टम कोलकाता से और हमारे साथ है मुंबई से हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट मिस रिद्धि शाह जी सो हम दोनों मिलकर आप सभी का स्वागत करते हैं अनदर एपिसोड ऑफ दिस चैट शो आस्क द एक्सपर्ट सो पहले ही रिद्धि मैम को वेलकम कर लेते हैं वेलकम रिद्धि मैम थैंक यू सो मच सर गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग so uh, कैसे हैं आप कैसा चल रहा है I'm fine, I'm fine. How are you? <laughs> मेरा भी अच्छा है सो so, दोस्तों uh, कल शाम को मतलब ये इवनिंग को एक बहुत ही बेहतरीन हेल्थ केयर के प्रोडक्ट लॉन्चिंग हुए जितने भी सारे लोग आप zoom में थे उपस्थित थे आप जानते हैं सो so, उसी प्रोडक्ट के साथ आज भी कुछ बातचीत होगा श्योर sure. एंड उसी प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्ड क्लास या डिटेल्ड zoom webinar बहुत ही जल्द रिद्धि मैम प्रस्तुत करने वाली हैं ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं और उसी के साथ कल और भी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के ऊपर था सो so, दो प्रोडक्ट के वीडियोस कल के जूमार का वीडियो आज तक आ जाएगा यूट्यूब में जो लोग मिस कर गए कल आज यूट्यूब में आप देख लीजिएगा सो so, दो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आ, फिर से हम लोग आ, आएंगे उसके बारे में नॉलेज शेयर करेंगे स्पेशल मीटिंग्स तो रहेगा ही लेकिन आज का जो टॉपिक है दोस्तों ये है आस्क एक्सपर्ट इस चैट शो का नाम है और पिछले एक महीनों से हम लोग हफ्ते में दो बार ये चैट शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं हम लोग उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे इंडिया में इसका एक बहुत ही अच्छा फीडबैक आ गया है ना केवल आपके सवाल आप पूछेंगे और उसका आंसर ही दिया जाएगा और ये भी है कि कोई भी अगर सवाल नहीं पूछ रहा है वो भी बहुत कुछ सीख पाएगा ये सवाल और आंसर से राइट सो एपिसोड शुरू करते हैं जी 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 सो okay. so, दोस्तों uh, जैसे हम लोगों का रीति रिवाज रहा है कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं और येस्टर डे वॉज वर्ल्ड एसमा डे सो so, अस्थमा के ऊपर uh, कल सेकेंड ऑफ मे एवरी ईयर ये सेलिब्रेट होता है सो so, uh, कल भी बहुत जगह पे ये सेलिब्रेट हुआ और अस्थमा के ऊपर भी सर्वश्री का एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है तो उसके ऊपर बात करेंगे आस्मा प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर में लेकिन पहले कुछ uh, नियम इस चैट शो में सवाल करने का आपको बता दूं चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशली हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर आज क्योंकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर सेशन है सो हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट का जानकारी चाहिए आपको कोई भी पेशेंट के बारे में जानना है आपको कोई भी सजेशन देना है वो जानना है आपको या खुद क्या यूज करेंगे वो जानना है कोई भी सवाल है हेल्थ रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं एंड अगर आपका प्रॉब्लम आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या हैंड कर सकते हैं सो so, uh, समय आने पर या समय होने पर आपको बुला लिया जाएगा लेकिन प्रोवाइडेड आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए ओके सो ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं तो आप लोग सवाल करते रहिए हम लोग सवाल के ऊपर जाएंगे लेकिन क्योंकि यस्टरडे वॉज वर्ल्ड एस्थमा डे सो एस्मा के ऊपर uh, रिद्धि मैम जैसे uh, मैं तो ये नहीं पूछूंगा कि uh, क्यों होता है कैसे होता है एंड All all, so आस्थमा के ऊपर यूट्यूब में डिटेल्स में आस्था क्यूँ होती है उसको कैसे डिलीव किया जाए या कैसे उसको ठीक किया जाए क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते इसके बारे में डिटेल्स में है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के आप यूट्यूब में जाइए और रिद्धि मैम का भी बहुत सारा वीडियो है आस्थमा के ऊपर वो आप देखिए तो बहुत जान पाएंगे लेकिन आज स्पेशली जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि रिद्धि मैम आप देखिएगा आपके पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस आता है मैंने भी हैंडल किया है कि जैसे नॉर्मल सांस फूलना या थोड़ी देर चलने पे सांस फूल जाता है जोर का मतलब वीजिंग होता है वीजिंग एक साउंड आता है तो हम लोग अक्सर उसको आस्मा समझ लेते हैं लेकिन ऐसे काउंसिलिंग करते हुए या उसका हिस्ट्री पूछते हुए देखा गया है कि अक्सर वो एस्थमा नहीं होता है। नहीं होता राइट राइट सो ये लोग कैसे समझे ये डिफरेंशिएट कैसे करे मुझे एक्चुअली में एस्थमा है या फिर मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या और कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मेरा ये सांस फूल रहा है या विजिंग हो रहा है आ, इसको थोड़ा सा एलेबोरेटली अगर आप समझाएं ओके okay, सो so, uh, जैसे हम uh, कहते हैं कि सर यू नो सांस फूलना ओके सो दैट इज कॉल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ओके तो वो बहुत सारी रीजन से हो सकता है और उसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि यू शुड नो कि आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है एटलीस्ट फर्स्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर लिपिड प्रोफाइल कि आपको कोई भी ऐसा ट्रिगर या कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिससे आपको हार्ट डिजीज हो सकता है राइट right? सो so, एक चीज वो क्लियर हो गई हमारे रास्ते से कि भाई हार्ट का कोई लेना देना नहीं है इसमें इज प्योरली रेस्पिरेटरी इश्यू ठीक है तो जब वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा वो आप अगर खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप जाकर डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं सो so, अः uh, मैं इस माध्यम से यही कहना चाहूंगी बहुत लोगों को अभी भी मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जिनमें क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के लिए दे डोंट गो टू द डॉक्टर वो जाते ही नहीं डॉक्टर के पास और पहले सप्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं बट सप्लीमेंट किसको सपोर्ट करेगा दैट्स दैट्स द होल क्वेश्चन राइट पहले आप पता तो करें आपको मेडिकल प्रॉब्लम क्या है मैं इन छोटी मोटी चीजों की बात नहीं कर रही हूँ जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया एसिडिटी हो गई या इनडाइजेशन हो गया या हेयर फॉल हो रहा है ये चीजों को हम सप्लीमेंट से डेफिनेटली अकेले ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स राइट बट यहाँ पर बहुत पहले जो फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड बी टेकिंग इज यू शुड शो इट टू अ डॉक्टर एक डॉक्टर को दिखाना जरूरी है क्योंकि आपको एक्जैक्टली exactly लंग्स का प्रॉब्लम है हार्ट का प्रॉब्लम है वो पता चलेगा अगर आप वेल well इक्विप्ड है अगर आपने बहुत स्टडी किया है रिसर्च किया है तो आप ये खुद से भी पता कर सकते हैं ऐसा नहीं है बट uh, हाँ अगर आपको लगता है कि ये नॉट वेरी कॉन्फिडेंट तो आप प्लीज एक डॉक्टर को जाए जाकर दिखाएं दे आर मेडिकल प्रोफेशनल्स राइट तो वो आपको हेल्प करेंगे सेकेंडली इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं जैसे एक्सरे करवाया आपने तो आपको पता चला कि ऐसा है सो डायग्नोसिस करवाइए इसका जिससे कंफर्म हो कि जी हाँ आपको एस्थमा है राइट सो सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है इसके लिए यू हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट एंड हाँ तो uh, जैसे कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल सांस फूल रही है यानी कि थकान के मारे या व्हाटएवर डेफिशिएंसीज के कारण या हार्ट प्रॉब्लम के कारण या फिर अस्थमा का uh, जो सिम्टम्स uh, आते हैं करेक्ट सो इसमें एक चीज है जो आपको जाननी है जो अस्थमा होता है जब सांस फूलती है तब आपको यहाँ पर आ, ये जो रिब्स है आपकी राइट ये जो हम कहते हैं यू नो कि हार्ट जिसके, जिसके इर्द गिर्द जिस यू नो जो बोनी स्ट्रक्चर होता है रिब्स पसलियां राइट जो, जो पसलियां होती है वो पसलियों के बीच में जो मसल्स होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं उसको तो वहां पर दर्द होना शुरू होता है राइट right? और ये जरूरी नहीं है ये सिर्फ लेफ्ट में हो ये राइट में भी हो सकता है बिकॉज दोनों तरफ रिब्स है आपके करेक्ट सो so, कभी कभी जब आपको सांस फूलती है और अगर आपको खांसी भी आती है तो या तो वो ड्राई होगी या तो फिर वो यू नो कफ वाली होगी फ्लेम वाली होगी ठीक है पर अगर यहां पर जो जो आपकी पसलियां हैं जहां पर राइट right? वहां पर अगर आपको दर्द होता है खांसते वक्त तो यू शुड गेट इट चेक मोर लाइकली एस्थमा क्योंकि आपको सांस भी फूल रही है आपको खांसी भी आ रही है और आपको सांस लेने में मतलब यू you नो know, आवाज भी आती है जिसको वीजिंग कहते हैं और आपको पसलियों में पेन भी होता है तो ये चार क्लासिक सिम्टम्स है जो कि एस्थमा की तरफ इशारा करते हैं जो कि नॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से अलग है राइट right. और इसके साथ आ, मतलब ऐसा भी होता है क्या कि आ, का कोई सीजन होता है या सीजनल हो सकता है या ज्यादा सर्दी में बहुत लोगों को मैंने देखा है ज्यादा गर्मी में भी प्रॉब्लम होता है एंड एलर्जी कोई अभी कंडीशन हो जी। तब भी ये हो सकती है तो इससे भी आई थिंक डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि अगर अगर किसी को ये पूछा जाए कि आपका ये सीजनल है या फिर आ, मतलब आ, सर्दी में ज्यादा होता है या हर साल रहती है या हर रात को आपको आ, ये इनहेलर्स लेना पड़ता है तो और या फिर आपको ज्यादा चलने में होता है पूरा सही है मतलब आ, सर्दी में भी प्रॉब्लम नहीं है आ, एलर्जिक भी नहीं है या आ, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर सीरी चल लेता है ज्यादा चलता है तब भी उनका सांस फूलने लगता है जी जी तो आई थिंक ये जो दो आ, हम लोगों ने बातें लिया और ये दो जो सिम्टम्स हम लोगों के सामने इससे भी हम लोग थोड़ा सा आ, दि, आ, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि मुझे आजमा है या नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाके उसको क्लिनिकली आ, अप्रूव करना चाहिए कि मुझे आजमा है आंसर yeah, right? जैसे आपने कहा कि यू नो ट्रिगर्स ट्रिगर्स की वजह से होता है शॉर्टनेस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का खास करके कोई ऐसा ट्रिगर नहीं होता है ओनली hmm. जब आपने एग्जर्ट किया होता है बहुत ज्यादा आप यू नो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आपको हाफने आप हाफने लगे तो नॉर्मल है पर अगर आपको कोई ऐसा ट्रिगर है मतलब मान लो अगर आपके घर में कोई पेट है राइट right? कुत्ता uh, है right. या बिल्ली है hmm. तो उसके जो Uh, जो उसके डैंड या उसके जो यू नो पार्टिकल्स होते हैं फर है वो आपको एक ट्रिगर यू नो साबित हो चुका है वो एस्थमा का राइट right? उसके अलावा सीजनल चेंजेस यस विंटर्स में सबसे ज्यादा देखा yeah. जाता है एस्थमा एंड ऑफ कोर्स इन सम रेनी सीजन आल्सो इट इज़ सीन इसके अलावा स्मोकिंग स्मोकिंग आप सब जानते हैं कि लंग्स को बुरी तरह से खत्म कर देता है वो राइट सो ये स्मोकिंग इज अ ट्रिगर अगर आप खुद नहीं स्मोक करते यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो अ ट्रिगर ओके तो अगर आप किसी कोई और स्मोक कर रहा, और आप वो कर रहा है और इनहेल कर रहे हैं तो दैट एस्थमैटिक कंडीशन इन उसके अलावा कुछ फंगस होता है जो ट्रिगर uh, करता है एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो एस्थमा ट्रिगर करती है डस्ट एलर्जी है पॉल्यूशन है राइट right? कुछ मेडिसिन की एलर्जी हो जाती है uh, आप

Uh, इधर पे मैं पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम लोग एस्मा को लेके लौटेंगे सो so, कर आचार्य जी पूछ रहे हैं स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को क्या प्रोडक्ट दिया जाएगा ओके सो स्पॉन्डिलाइटिस इज बेसिकली आपके स्पाइनल कॉलम में डिस्क के बीच में कुछ इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये कंडीशन होता है एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स दैट आर इन्फ्लेम तो उसके लिए आप कंप्लीट हो कैप्सूल्स देंगे और शलाकी जूस देंगे अब कंप्लीट ओ में शलाकी का एक्सट्रैक्ट है ओके पर अगर बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पर स्पॉन्डोलाइट है तो शलाकी दे सकते हैं आप बट मेन प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा कंप्लीट ओ कैप्सूल्स एंड उसके साथ उसका जो यू uh, नो you know, कंप्लीट हो के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री जाता है वो है सुपर एडवांस एंड इसके साथ आप लेंगे फिश ओमेगा सो दिस इज अ परफेक्ट पैकेज फॉर स्पॉन्डिलाइटिस केस राइट सो सस्मिता जी आपको मिल गया है uh, आपका आंसर और भी कोई दोस्त अगर है कि आप अपना आ, सवाल रखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और आ, बहुत सारे कमेंट्स तो आ रहे हैं हाँ, लेकिन uh, uh, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस है जो पहली बार आ रहे हैं तो उनको हम पहले एग्जैक्ट exactly, देना exactly. चाहेंगे बिकॉज uh, आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं यू नो कि वो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आप बार बार एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो नया सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसको आज प्रायोरिटी दिया जाएगा जी। ओके सो मैम सवाल हम लोग लेंगे लेकिन मेरा एक uh, जानना है आपसे कि ये जो uh, आजमा के बारे में अस्थमा के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए या क्या कैसे सिम्टम्स या ट्रिगर्स है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया लेकिन आपको क्या लगता है कि uh, कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल जो जैसे लाइफस्टाइल को हम लोग जी रहे हैं ये क्या रिस्पॉन्सिबल है और कैसे है बिल्कुल लाइफस्टाइल में ही ये सारे ट्रिगर्स आप देखेंगे यू you नो know, जो मैंने कहा आपको कि क्यों होता है स्मोकिंग स्मोकिंग इज अ लाइफस्टाइल फैक्टर राइट पेट पेट इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन आप चाहे तो यू नो मेक श्योर कि आपका जो पेट है वो ज्यादा बाल नहीं झड़ रहे हैं उसके सो so ऑब्वियसली उसके डाइट का भी आपको ध्यान देना होगा राइट एंड एक्टिव रहेंगे जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे यहाँ पर मेन फोकस है लंग्स की हेल्थ इंप्रूव करना राइट सो लंग्स के जो एयरवेज है उसको आप ब्रॉड so right? जो एयर पास होता है जो ट्यूब्स में से राइट right? वो ट्यूब्स जकड़ जाती है बंद जैसे या एकदम नैरो हो जाती है जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है और इसीलिए एस्थमा के ये सारे ये सारे सिम्टम्स आते हैं पर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या प्राणायाम करेंगे ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो यस yes, आपके ब्रीदिंग पैटर्न जो है इम्प्रूव हो सकते हैं और आपके एयरवेज पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है एंड उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज्यादा जरूरी है आपका डाइट मेंटेन करना मेनली um, आपके डाइट में होने चाहिए एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि uh, अपना यू नो एस्फाल्स हो गया राइट सो इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी बेरी जूस करेक्ट बेरी एंड फ्रूट जूस उसके अलावा आप सिक्सटीन बेरीज भी ले सकते हैं सो so, या फिर डाइट की बात करूँ तो फल और सब्जियां ज्यादा खाएं टर्मरिक इंक्लूड करिए डाइट में बिकॉज ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन कम करेंगी नट्स एंड सीड्स कंज्यूम करिए जो अखरोट बादाम वगैरह है ये सारी चीजों से क्या होगा ये सार ये सारी चीजों से लंग्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा और जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो अपने आप एयरवेज जो है नॉर्मली डायलेट भी हो सकती है राइट सो या दैट इज इम्पोर्टेंट सो दोस्तों आप लोगों ने देखा लाइफस्टाइल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और इसको इसके साथ साथ सर्वश्री के पास क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में भी आगे हम लोग बातचीत करेंगे सो so, और एक uh, सवाल आया है uh, मुन्ना जी पूछ रहे हैं हमारा हार्ट बीट बहुत ज्यादा है सो so, मैं कौन सा प्रोडक्ट लू ओके, okay. सो so, पर अगर आपका हार्ट बीट ज्यादा रहता है सो दैट मींस यू हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट जिसके वजह से आपका हार्ट रेट ज्यादा है अगर आप एक्टिविटी करने के बाद आपका हार्ट रेट ज्यादा रहता है तो मुन्ना जी इट्स नॉर्मल आप मेरा भी रहता है आपका भी रहता है इनका भी रहता है दैट्स नॉर्मल बट अगर ये ध्यान से सुनिएगा अगर कोई भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में दिन में कभी भी अगर तेजी से अचानक से हार्ट रेट बढ़ रहा है सो देन यू नीड टू टेक अ कपल ऑफ सप्लीमेंट्स अलोंग विथ योर आई एम श्योर आपने आप जिसकी भी बात कर रहे हैं मुना जी वो डॉक्टर को जरूर दिखाए हैं उन्होंने क्योंकि ये कोई नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है ओके okay. सो so, एक बार देख लीजिए कि नॉर्मल केसेस में हो रहा है या अब नॉर्मली हो रहा है अब इट्स कॉल्ड टैकी कार्डिया तो टैकी कार्डिया और कार्डिया ये दो नाम है इस पर्टिकुलर कंडीशन के वो तब होते हैं जब आपका हार्ट बराबर से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड राइट सो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट ये एक और चीज का अंदेशा दे रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है ओके, okay. so, अगर ब्लड प्रेशर हाई है उसके वजह से हो रहा है एंड जो आप बता रहे हैं कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है सो so आप इनको एच आर टी केयर कैप्सूल दीजिए क्योंकि इसके अंदर स्पेशली एक ऐसा हर्ब है जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है वो है अर्जुन अर्जुन की छाल राइट right? सो so, अर्जुन एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है वो है गार्लिक यानी कि लहसुन ये दो चीजें आपके हार्ट के मसल्स को जो है अच्छे से टोन करती है सो so दैट आपके जो वेसल्स है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े पर प्लीज uh, प्लीज एक बार जरूर चेकअप करवाएं कि क्यों ये हो रहा है मैं क्यों ये बार बार बोल रही हूँ बिकॉज लोग नजरअंदाज कर देते हैं ये कि भाई हाँ ये तो मैं खुद ही ट्रीट कर लूंगा ऐसा नहीं है कुछ चीजें यू नो सप्लीमेंट के डोमेन से भी बाहर होती है एंड आपको वो समझना पड़ेगा राइट right? क्योंकि हम बॉडी के साथ डील कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के साथ किसी की लाइफ के साथ डील कर रहे हैं राइट सो प्लीज बी वेरी श्योर कि आपको ये प्रॉब्लम है क्या आमतौर पे अगर आपने मुझे मैसेज uh, किया होता व्हाट्सएप पर तो मैं आपको सबसे पहली बात यही बोलती कि प्लीज एक ईसीजी निकालिए कि क्यों हो रहा है ये मुझे पता तो चले राइट बट ठीक है इट्स ओके okay. आप एचआरटी केयर दीजिए उसके साथ में आप दीजिए फिश ऑयल ओमेगा ये दोनों की कॉम्बिनेशन से इट विल हेल्प यू टू कम डाउन द हार्ट रेट एकदम सही एकदम सही मैम सो so, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से टैकीकार्डिया होता जी, है सो so, वो रीजन को पता लगाना है मुन्ना जी सो so, बेटर है आप कोई एक्सपर्ट को पूछिए डॉक्टर को दिखाएं फिर वो रिपोर्ट्स लेके हम लोगों से संपर्क करें, तो हम लोग भी समझ पाएंगे या फिर पर्सनली आप कांटेक्ट करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको बताए ओके सो नेक्स्ट शशिकांत कुमार जी बोल रहे हैं सर्वाइकल पेन में क्या सजेस्ट करना है हाँ अभी जो मैंने स्पॉन्डिलाइटिस के exactly. लिए बताया सेम बट उसके साथ आप आई uh, थिंक uh, सस्मिता जी का सवाल था वो राइट right? so, सो सस्मिता जी को मैं एक चीज बताना भूल गई जो अभी इस सवाल में के थ्रू मैं आंसर कर दूंगी वो है पेन गो ऑयल एक्सटर्नली अप्लाई करना है वो मैं बताना भूल गई थी तभी सो so, मैंने सिर्फ इंटरनल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया सो so, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको शलक की जूस सेकेंड इज कम्प्लीट ओ कैप्स्यूल शलक की जूस तब दे जब आपको uh, पता है कि ये बहुत ज्यादा सीवियर या एक्सट्रीम लेवल पर है ठीक है कंप्लीट हो कैप्सूल्स आप देंगे क्योंकि वो उसके अंदर शलक की गुगुल ये सारे एक्सट्रैक्ट्स है जो कि स्पॉन्डेलाइटिस uh, या सर्वाइकल पेन दोनों में काम आएंगे थर्ड इज फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल एंड फोर्थ इज करक्यूमिन सुपर एडवांस ये सारे इंटरनल प्रोडक्ट्स है कुकिंग जो आप करते हैं घर में खाना बनाते हैं एक किचन केयर की रेंज का प्रोडक्ट है वो है जैतून ऑयल इट्स एन एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल वो मैं खास करके इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में सलाह देती हूँ एस्टमा में भी आप यूज करते कर सकते हैं जैतून एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल बिकॉज ऑलिव ऑयल लंग्स का इन्फ्लेमेशन कम करेंगे तो जो भी थोड़े टाइम के पहले मैंने कहा कि यू you नो know, डाइट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन्फ्लमेशन कम करने में सो so, जैतून एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए देर आर थ्री प्रोडक्ट्स दैट वी हैव वी हैव रोल ऑन पेन रोल ऑन राइट सो exactly. so, अगर छोटा सा एरिया है जैसे सिर्फ गर्दन पे लगाना है तो न, रोल कि सर्वाइकल है या लंबर है अगर पूरे बैक पे लगाना है तो ऑयल इज बेटर for, uh, instant, uh, अगर आपको रिलीफ चाहिए इंस्टेंट अगर आपके पास बाम नहीं है या हम, uh, हम लोगों के पास तो वो ऐसे पेन रिलीफ स्प्रे भी नहीं है

जो सूती का कपड़ा वो थोड़ा सा गर्म करते हुए उसको क्या right. बोलते हैं हिंदी में मतलब कॉटन कॉटन के कपड़े से राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसको गर्म भाप देना ठीक बिल्कुल. है मतलब सूखा भाप जो होता है तो ये भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एंड uh, मैम बहुत ही अच्छा रिजल्ट ऑयल का आ रहा है uh, बहुत ही अच्छा रिजल्ट

सो so, uh, शशिकांत जी मुझे लगता है आपके सवालों का uh, या सवाल का आंसर आपको मिल गया है सो so, नेक्स्ट और एक सवाल जाते हैं uh, हमारे के बी भट्ट जी बहुत पुराने मित्र है हम लोगों का सो so, भट्ट जी का एक सवाल है टू वट एज ग्रुप शूट सप्लीमेंट टैबलेट्स बी गिवन अप टू वट एज ग्रुप मतलब एंड पूछ रहे हैं। ओके okay, आप मिनिमम और मैक्सिमम हाँ दोनों common... मतलब है, है इसके ऊपर तो इस, इस भी भी। उन्होंने टैबलेट्स का जिक्र किया मैं ओवरऑल सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ ठीक है तो उसमें इनका आंसर कवर हो जाएगा exactly, और मैं सबका जो मन में कुछ डाउट रहेगा तो मैं बता देती हूँ सो मिनिमम एज जो होती है सबसे पहले कब से शुरू कर सकते हैं आप अब ये इसमें देखिए आपको समझने की जरूरत है दो प्रकार के सप्लीमेंट्स है हमारे पास एक है आयुर्वेदिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आयुर्वेदिक हर्ब के साथ हर्ब exactly. से मिले हैं हमें फॉर एग्जांपल आप अगर अच्छे से समझ पाए इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ एच आर टी केयर कैप्सूल्स या ये जितने भी केयर वाले जो है प्रोस्टो केयर 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 शी यू कैप्सूल एचआरटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जो भी कैप्स्यूल्स है जो भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसका सेवन आपको बारह साल से ऊपर करना है बारह साल के ऊपर ही आप देना है आपको ओके क्लियर सेकेंड जो दूसरे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो है डायट्री एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो जिसके अंदर आप देखो कि आपको मिल रहा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बायोटिन बायोटिन गमीज ओके सो बायोटिन गमीज इज यूजली यूज फॉर हेयर एंड स्किन राइट तो ये भी आप बच्चों को नहीं दोगे बिकॉज उनमें वो चीज करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है करेक्ट सो दैट ऑल्सो यू विल गिव आफ्टर ट्वेल्व देर आर सम प्रोडक्ट विच आर स्पेशली मेड फॉर किड्स जो आप बारह साल के अंदर दे सकते मतलब नीचे दे सकते हैं पर नीचे यानी कितना नीचे राइट सो टिल एज ऑफ फाइव मतलब फाइव और ट्वेल्व के बीच में आप किड्स के प्रोडक्ट दे सकते हैं आई विल uh, उन सबका नाम लेना चाहूंगी एक है किड्स मल्टीवाइटमिन गमीज आप पांच चार या पांच साल के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं सेकेंड सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक राइट पांच से बारह के बीच में आप दीजिए ओके पांच साल से बारह साल के बीच में ठीक है uh, तीसरा है किड्स केयर प्रोटीन पाउडर ये भी आप इसी एज रेंज में दीजिए ठीक है सो ये तीन मुख्य प्रोडक्ट्स है uh, सर मैं क्या कुछ भूल रही हूँ आप ऐड कर सकते हैं और सही है, है सही ना है? ये हाँ ठीक हा, हा, है, है. हम, हम

आप दे सकते हैं टिल द एज ऑफ एटी फाइव एटी एट नाइंटी ऑल्सो आई हैव मतलब मुझे जिनके क्वेरीज भी आते हैं वो उनमें नाइनटी के भी एक व्यक्ति थे बुजुर्ग राइट तो पर दे सकते हैं आप बट एक बार मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर वो इंसान को या वो व्यक्ति को कुछ इश्यूज बहुत ज्यादा है तो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर डोजेज आप एक छोटे डोजेज के साथ स्टार्ट करें उनका बॉडी क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके बॉडी का रिस्पांस भी जो है या यू नो डाइजेस्टिबिलिटी का हो या बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती एक से दिन में, है तो फिर आप दो भी ले सकते हैं कैप्सूल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल वो सारे केयर वाले रेंज के जो कैप्सूल है सारे टैबलेट्स जो अपने टॉक्स प्लस वगैरह है अ, 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 अपना, अ, एक्टिव डुओ है राइट फिर अपना काउ कोलेट्रॉम है देन इवन द जूसेस वीट ग्रास जूस है ये सारे आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट है ड्रॉप्स uh, ड्रॉप्स है drops है है मोरिंगो विटामिन ये सारे जो रेंज के and जो के प्रोडक्ट्स दीजिए एंड जो किड्स के है वो फाइव टू ट्वेल्व के बीच में जीत लीजिए मैंने ये सिर्फ ऐसा रिकेप कर लिया ताकि कोई मिस ना कर दे राइट एकदम एकदम सही सो so, uh, इसको फॉलो कीजिए सप्लीमेंट्स आर हाईली न्यूट्रिशनल फूड्स So, जैसे कि आ, हम लोग एक तीस साल का लड़का जैसे जितना परिमाण में मटन खा सकता है एक अस्सी साल के बुजुर्ग उतना नहीं खा सकता है और उतना खाना उचित भी नहीं है बॉडी भी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और उनको प्रॉब्लम हो जाएगा सो so, इस इस फॉर्मूला को याद रखना है इस लॉजिक को याद रखना है ऐसे ही सप्लीमेंट्स को दिया जा सकता है और तीस साल का लड़का अस्सी साल के बुजुर्ग का जैसे मैं उदाहरण दिया वैसे ही तीस साल का लड़का जितना मटन खा पाएगा एक दस साल का लड़का या आठ साल का लड़का उतना नहीं खा पाएगा मतलब उनको नहीं देना चाहिए सो so, यही फॉर्मूला है सिंपल बिल्कुल so, बिल्कुल सो so, सप्लीमेंट्स uh, के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब में हैं, व्हाई टू यूज एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट टू डू विद सप्लीमेंट्स ये सारा कुछ क्लियर किया गया है हर्बल uh, या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर सो so, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं ओके सो आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से मैम ने समझा दिया हम लोगों ने समझा दिया अभी दूसरा एक सवाल में जाते हैं और उसके बाद आज का सर्थ. जो टॉपिक था अस्थमा के ऊपर uh, क्योंकि कल ही हम लोगों ने वर्ल्ड अस्थमा डे भी सेलिब्रेट किया ओके okay. सो so, uh, शंभुनाथ मिश्रा जी पूछ रहे हैं ओके uh, okay, साइटिका पेन में क्या क्या सजेस्ट करना है ओके okay. में भी सेम प्रोडक्ट्स आएंगे बिकॉज एनीथिंग टू डू विथ मसल नर्व कोऑर्डिनेशन जो मैंने स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सप्लीमेंट्स बताए हैं uh, चलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ बिकॉज शायद वो लेट जुड़े होंगे सो uh, so, शला की जूस कंप्लीटो कैप्स्यूल्स करक्यूमिन सुपर एडवांस एंड फिश ऑयल सॉफ्ट जेल एंड पेंगो ऑयल और रोल ऑन एनी So, uh, दोस्तों वीडियोस को बार बार आप देखते रहिए बिकॉज चैट शो आज द एक्सपर्ट का जो शोज हो रहे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो uh, आम मतलब प्रॉब्लम्स uh, हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपके uh, पास तो दो तीन केसेस आता ही है हर रोज तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखने से क्या होगा आप नोट डाउन कर लेंगे तो ऐसे का या पाइल्स के ऊपर कोई एक पूछ रहे थे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस हमारा जो शोज है उसको देखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा बिकॉज ये सारा कॉमन प्रॉब्लम है राइट right? सो so, uh, किसी ने भी पाइल्स के ऊपर पूछा है तो उसका आंसर हम लोग ले लेंगे एक बार क्योंकि आपने आज पूछा है मैम से ले लेंगे बट उससे पहले जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था अस्थमा के ऊपर सो so, उसका हम लोगों ने सिम्टोम्स uh, पकड़ा उसका ट्रीगर्स uh, क्या हो, होता है उसको भी हम लोगों ने जाना एंड उसके साथ लाइफस्टाइल को ठीक करना है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी एक पार्ट है ये भी हम लोगों ने जाना अभी डायरेक्टली अगर एस में आते हैं सर्वश्री में आते हैं तो सर्वश्री में मैम आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कौन से वो रामबान है प्रोडक्ट्स हैं जो जिसका इस्तेमाल करने से नंबर वन जिनको अस्थमा है वो हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं नंबर टू जिनको नहीं है या पहले था अभी नहीं है या फिर होने का चांसेस है थोड़ा थोड़ा सिम्टम है हम लोग कैसे उसको रोथ कर सकते प्रिवेंट कर सकते करेक्ट काफी uh, मतलब दो ऐसे मेन प्रोडक्ट्स हैं जो अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूं दोनों अलग अलग फॉर्म में है बट मेनली इंग्रेडिएंट सिमिलर है दोनों के सो so अगर आप uh, जो भी फॉर्म में आपको पॉसिबल है आप ले सकते हैं वन इज एस्था एस्था केयर कैप्सूल्स, राइट सो जो कैप्स्यूल्स के फॉर्म में जो आता है उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं एस्थमा केयर कैप्सूल्स अः वन इज ऑब्वियसली इसके अंदर एक ऐसा हर्ब है जिसका नाम है वासक ओके okay? सो so, वासक इज अ पावरफुल ब्रॉन्कोडाइलेटर वो आपके पैस एयर पैसे जिसको वाइड बनाता है खोल देता है जिससे सांस लेना इजी हो जाता है और सेकंड दूसरा ये एक और फायदा करता है कि जितना भी इन्फ्लेमेशन हुआ है एयर और लंग्स में उसको क्लियर है राइट right? सो so, वासक इज वेरी इंपॉर्टेंट दोनों में है दूसरा जो प्रोडक्ट मैं बता बता रही हूँ जो एस्थेमा केयर कैप्सूल की जगह पे दिया जा सकता है वो है एस्थमा केयर ड्रॉप्स राइट सो वो भी अभी uh, you know, मैं देखती हूँ काफी इसका तो बहुत ज्यादा ऑर्डर आता है exactly. आ, हमारे exactly. गैलरी से भी सो so, ये प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन किया जा रहा है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव राइट उस उनको बहुत असर भी करता है करेक्ट उसके अंदर भी अगर आप देखो वासक है और एक हर्ब है जो दोनों के अंदर है और वो पावरफुल ब्रोंकोडाइलेटर है वो है कांतकारी कांतकारी एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि एयर पैसेजेस तो यू नो वाइड करेगा ही पर बेसिकली ये एक एक्सपेक्टोरेंट है एक्सपेक्टोरेंट यानी कि म्यूकस निकालने में मदद करता है राइट right? सो so, जो भी कफ जमा हो गया है लंग्स के यू नो पैसेज में तो वो जो भी एयरवेज के अंदर म्यूकस ब्लॉक कर देता है सांस को राइट right? तो उसको निकालने में कंथकारी मदद करता है दोनों में है एस्थमा केयर कैप्सूल्स में भी है एस्थमा केयर ड्रॉप्स में भी है सो इट्स एन एंटी हिस्टमिन ओके सो एंटीहिस्टमिन क्या करता है एस्थमा को रोकता है ओके हिस्टमिन एस्थमा पैदा करता है एक ऐसा तत्व होता है ठीक है सो एक एंटी हिस्टमिन है इसके अलावा आप अगर आ, यू नो एस्थमा की बात करें तो इसके साथ ऑब्वियसली एक आ, आ, यू कैन इंक्लूड सिक्सटीन बेरीज जूस या फिर एडवांस एस्पल्स दोनों में से कोई एक अब वो अगेन डिपेंड करेगा है, जो हेल्प uh, करेगा इन्फ्लेमेशन कम करने में या फिर आप uh, कर सकते हैं करक्यूमिन एडवांस एक ऐसा है जो आप हर एक इश्यू में आप यू you नो know, दे सकते हैं ऑलमोस्ट राइट अनलेस एनटल सम बहुत ज्यादा लेवल का लिवर डैमेज है एंड स्टेज उसमें मैं नहीं देती हूँ पर आप हर एक प्रॉब्लम के लिए करकेومن सुपर एडवांस दे सकते हैं बिकॉज़ इट्स अ सच अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट तो बिल्कुल आप इसके अंदर भी वो ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा आम, मैं यू नो you know, अपना एक प्रोडक्ट था राइट आई थिंक वो डिसकंटिन्यू हुआ है अपना डिटॉक्स मैं उसका ही जिक्र करने वाला था राइट 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 तो ये right. जो प्रोडक्ट है माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे अभी डिस्कटिन्यू तो है बट बहुत ही जल्दी उसका भी प्रमोशन हम लोग करेंगे उसका भी गुड न्यूज जी हम लोग दे देंगे एंड एंड इट इज अ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है माउथ स्प्रे स्पेशली फॉर पेशेंट्स क्योंकि मैंने okay. बहुत देखा है जब uh, मैम हम लोगों का चलता था ये प्रोडक्ट तो okay. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था आफ्टर वन मंथ ऑफ यूज दीज प्रोडक्ट अलॉन्ग विस्मा केयर ड्रॉप या आसमा केयर कैप्सूल या फिर

कैप्सूल्स भी यूज करिए ड्रॉप क्योंकि exactly. जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उन हब्स का तो जल्दी उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी एस्टमा की देयर इज नो हार्म इन हैविंग बोथ टुगेदर आप ले सकते हैं कोई इशू ओके ये तो एक पार्ट हुआ प्रिवेंशन के लिए और अस्थमा अगर किसी को है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट मैम ने बताया लेकिन और एक सवाल इसके पीछे पीछे मेरे मन में आ रहा था कि अगर ये मतलब ये जो आ, सांस फूलना मेन आपने बताया कि हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब है जो वो वैसोडाइलेशन में नहीं होता है सो so, ये इसका जो आ, आ, मतलब क्या मैं बोलू एयर पैसेज है ये एयर पैसेज कभी नैरो ना हो वो हमेशा सही रहे उधर एक्सेसिव म्यूकस जमा ना हो तो ये चीज को अगर हम लोग इंश्योर कर सकते हैं तो uh, मतलब uh, सांस की कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होगा ये तो तय है तो ऐसे कौन से एक दो प्रोडक्ट का जिक्र आप करना चाहेंगे जो हमेशा अगर हम लोग इस्तेमाल करें या रेगुलर लोग अगर हम लोग इंटेक करें तो एयर पैसेज सही रहेगा एक्सेसिव म्यूकस नहीं जमेगा एंड uh, उसका वो ठीक रहेगा so, uh, exactly. uh, निकालने में हेल्प करेगा जमने नहीं देगा फर्स्ट ऑफ ऑल हालांकि इसका उल्टा होता है गैस्ट्रिक uh, इश्यूज में गैस्ट्रिक इश्यूज में आपको म्यूकस की जरूरत पड़ती है सो सी हाउ ब्यूटिफुली आयुर्वेदा हैज मेड डिफरेंट हर्ब्स कि यष्टि मधु अगर सांसों के प्रॉब्लम के लिए दिया जाए तो वो एयरवेज uh, खोल देता है क्योंकि वो म्यूकस कम करता है पर अगर वो पेट की समस्या के लिए दिया जाए तो वो म्यूकस क्रिएट करता है जिससे पेप्टिक पेप्टल्सर वगैरह इश्यूज ना हो राइट सो ऑफ कोर्स दोनों अलग चीजों के लिए है ये सो वन इज दैट एंड सेकेंडली आप तुलसी कप सिरप यूज कर सकते हैं uh, आप हनी रस इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों में से कोई भी एक अः uh, उसके अलावा आप काउ कोलेस्ट्रोल टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और एयर पैसेज को हमेशा यू uh, नो you know, हेल्दी रखने के लिए तुलसी करक्यूमिन या पंच तुलसी दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज तुलसी इज अगेन अ वेरी पावरफुल लंग फ्रेंडली हर्ब राइट सो वो सर्दी खांसी में आपको वो म्यूकस जमने नहीं देगा राइट right? और उसके अलावा ये तो हो गए हर्ब्स आई एम श्योर आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग इफ यू कैन ऐड समथिंग अगर आपके नजर में कोई है पंच तुलसी या तुलसी करक्यूमिन में से कोई एक मैंने जो लास्ट कहा राइट right? बट I mean, सही, सही है राइट। right? और एक चीज जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ right? so, भा, भाप जिसको हम कहते हैं कि हमें भाप लेनी चाहिए एवरी नाइट या जब भी स्पेशली आपको लगता है सीजनल चें सीजनल चेंजेस हो रहे हैं गर्मी से सर्दी में कन्वर्ट होना सर्दी से बारिश में वट जो भी सीजन चेंज होते हैं स्पेशली विंटर्स में आप ये आ, स्टीम का एक प्रैक्टिस रखिए जिससे एयरवेज हमेशा खुले रहेंगे गर्म पानी में अगर स्नान करते हैं तो भी वो हेल्प करता है बिकॉज वो स्टीम पैदा करता है और हम भी स्टीम है लेने का जो आपने जिक्र किया भाप लेने का नाक जी, से मुंह जी, जी तो इसमें और एक चीज मैं बताता हूँ या हम लोग बताते हैं जो है वो गर्म पानी में अगर आप तुलसी का ड्रॉप डाल दो पांच दस बूंद तुलसी का ड्रॉप डाल सकते हैं या फिर आ, मैंने ये भी आ, मैं बोलता हूँ हमारा जो पेन बाम है, जो पेन पेन बाम बाम है है वो भी अगर थोड़ा सा पेन बाम आप उस इसमें डाल दो तो क्योंकि उसमें है सो so, वो भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं मतलब सर्दी जुकाम पे या फिर एयर पैसेज को ठीक करने के लिए जी जी बिल्कुल सो दोस्तों अस्थमा के ऊपर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सर डिस्कशन हम लोग किए सो इसको रिपीटेडली आप देखते रहे इस एपिसोड को अस्थमा के बारे में और भी कुछ जानने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं एंड हमारे यूट्यूब वीडियो पे भी कॉमेंट कर सकते हैं और पिछले बहुत सारे वीडियोज अस्थमा के ऊपर विथ सॉल्यूशन दिया गया है उसको भी आप देखिए So, uh, अभी जस्ट uh, दो सवाल बाकी है इसको लेते हुए आज का ये एपिसोड को खत्म करने की समय भी आ चुका है so, uh, okay, uh, सो से मतलब ओडिशा से कोई एक लीडर पूछ रहे हैं बाल सफेद होना व्हाइट हेयर के लिए क्या सॉल्यूशन है तो मैंने जब उनको एज पूछा तो बोले कि 22 साल एंड छोटे बच्चों को भी मतलब 12-13 साल में भी ये सफेद वालों का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैम मैम का मुस्कुराहट okay. सब कुछ बोल देते क्योंकि <laughs> पहला right. ही जो तो मैम पहला ही जो ट्रिक मतलब ये करेंगे पॉइंट करेंगे वो है आपका लाइफस्टाइल so, मैं जानता हूँ सो मैम राइट राइट सो ऑफ कोर्स आपका जो डाइट है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्रीमेचोर ग्रेइंग इज अब ओके ग्रेइंग इज नॉर्मल तीस के ऊपर बाल सफेद होना नॉर्मल है ओके okay? प्लीज उसको नॉर्मलाइज करें आप ज्यादा मेच्योर हो रहे हैं राइट सो इट्स ऑल ओके बट नहीं जस्ट जोक्स अपार्ट अः तीस के ऊपर अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो इट्स नॉर्मल ओके सबसे पहले ये समझ लीजिए तीस के नीचे कोई है अगर उसको अगर ग्रेइंग कम करना हो तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स है और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल टिप्स है नंबर वन प्रोडक्ट्स की बात करूं पहले या लाइफस्टाइल की बात करूं पहले तो मेरा सजेशन है लाइफ स्टाइल ये सही करना बहुत जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल सो so, uh, सबसे पहले ना मैं एक ही चीज कहती हूँ सबको कि इसमें ये ये इशू uh, में ये हेयर में कॉपर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बॉडी को ओके अगर बॉडी में कॉपर कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है जिंक कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है तो इसलिए सबसे पहला है आप कॉपर यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करें राइट right? सो so, जैसे पानी और पानी जो आप स्टोर करते हैं वो कॉपर के बॉटल में exactly. स्टोर करके पिए राइट right? खाना बनाते हैं तो कॉपर के सॉरी कॉपर के यूटेंसिल्स भी आते हैं बर्तन आते हैं कॉपर के राइट कॉपर यानी तांबा राइट सो उसके अंदर आप ये कुकिंग कर सकते हैं तांबे के जग में या बॉटल में पानी भर के पी सकते हैं उसके अलावा एक और रेमेडी मेरे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉपर के ग्लास में पानी आ, स्टोर करें ओके और मॉर्निंग में उसको एक अंजीर के साथ खाएं अंजीर आप सबको पता है क्या होता है आ, फिग फिग अंजीर राइट आई डोंट नो बंगाली में या कोई और लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं बट अगर, है। अगर आप हिंदी में लिख लीजिए इसको अंजीर कहते हैं देन यू कैन ऑलवेज ट्रांसलेट गूगल पर ओके okay? सो so, अंजीर के अंदर कॉपर और जिंक दोनों अच्छी मात्रा में है जो कि नरिश करेगा आपके हेयर फॉलिकल्स को और ग्रेइंग को आगे बढ़ने से रोकेगा ओके सो वन इज दैट सेकेंड इज आप सो uh, so एक हो गया आपका कॉपर सेकेंड है आप जब भी बाहर जाए धूप में तो प्लीज हेयर कवर करके जाए बिकॉज uh, वो फॉलिकल्स को डैमेज कर सकता है यू वी रेडिएशन राइट सो वो uh, कैप है स्कार्फ है हेलमेट है वट एवर जिससे भी आप अपने बालों को कवर कर सके कड़ी धूप में ओके okay? सेकेंड जितना हो सके केमिकल ट्रीटमेंट हेयर ड्राइंग हेयर स्ट्रेटनिंग ना कराए उसके अलावा डाइट में अगर मैं बात करूं तो आप ले सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए जैसे कि हमारे पास बालक है मेथी है uh, शेपू की भाजी है चावली की सब्जी है राइट ये सारे जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं आप कंज्यूम करें नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करिए ओके क्योंकि यहाँ पर कॉपर जिंक सेलिनियम बी ट्वेल्व फोलिक एसिड और आयन ये सभी की जरूरत पड़ने वाली है आपको ये प्रॉब्लम में राइट सो नट्स एंड सीड्स में आप इन चीजों को पा सकते हैं सो प्लीज आप वो कंज्यूम करिए एंड आई थिंक या सो आई मोरोस मैंने कवर कर ही दिया और हाँ बिल्कुल अगर कोई स्ट्रेस है बिकॉज ज्यादातर प्रीमेचोर ग्रेन के, के केसेस में स्ट्रेस इज अ ट्रिगर राइट सो आप तनाव यू uh, नो you know, को कम करने के लिए कुछ ऐसी हेल्थी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जैसे कि योगा हो गया प्राणायाम हो गया मेडिटेशन हो गया राइट सो ऑल दो इन लाइफ स्टाइल अब मैं अगर बात करूं प्रोडक्ट्स uh, की राइट सो प्रोडक्ट्स में वी हैव ऑफ कोर्स वन अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर ऑल हेयर एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज एंड दैट इज गैन ओके सो गैनोडर्मा क्या करता है मेनली गैनोडर्मा एक मशरूम की स्पीशीज uh, है राइट right? और वो मेलेनिन रिक्रिएट uh, करने की कोशिश करता है पैदा करने की कोशिश करता है हेयर फॉलिकल्स के अंदर गैनोडर्मा कैप्सूल्स ओके okay? सो so, गैनोडर्मा के अंदर कॉपर है इसके अंदर विटामिन डी है इसके अंदर यू नो एंटी भी है सो so, ये हेल्प करेगा कि हेयर के फॉलिकल्स को पोषण मिले और जो भी बाल आए उसमें सफेदी ना हो उसमें मेलेनिन अच्छी मात्रा में मिले बाल को राइट सो मेलानिन क्या होता है जो बाल का नेचुरल ब्लैक कलर है वो कौन कौन देता है वो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट देता है करेक्ट सो so, ये एक हो गया सेकेंडली आंवला जूस बहुत अच्छा माना जाता है जब हम ग्रे हेयर की बात करते हैं या कोई भी हेयर इश्यू की बात करते हैं तो मान लो अगर आप अगर आप हेयर फॉल से भी पीड़ित है तो आमला जूस अगर डैंड्रफ से भी पीड़ित है तो आमला जूस और अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर से पीड़ित है तो भी आमला जूस राइट सो आमला इज अ हेयर हर्ब ओके इट्स मेनली कॉल्ड एज हेयर हर्ब एंड दो चीज ऐसी है जो बहुत यू you नो know, सोच समझ कर मैं बता रही हूँ आपको और वो इसलिए है बिकॉज ज्यादा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो जाती है और जिसके कारण प्रीमेचर ग्रेइंग होता है सॉरी uh, जो सवाल किए है वो उनको लगेगा कितने सारे प्रोडक्ट्स है बट एक्चुअली आप देखो तो चार ही मेन प्रोडक्ट्स है एक है गैनोडर्मा कैप्स्यूल दूसरा क्या कहा मैंने आपको आमला जूस राइट तीसरा है त्रिफला जूस त्रिफला आल्सो हेल्प्स यू टू बैलेंस द मेलेन इन द बॉडी एंड फोर्थ इज सार्वाटा सिरप सार्वाविटा so, सिरप कॉपर जिंक सेलिनियम को रिप्लेस कर रिप्लेनिश करता है जिससे आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो प्रीमे का नंबर वन रीजन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्योंकि ये एज के पहले होने वाली जो सफेदी है बालों की वो इसीलिए होती है क्योंकि आप ना कॉपर uh, ले रहे हैं ना जिंक ले रहे हैं ना सेलिनियम ले रहे हैं डाइट से जिसके कारण मेलेनिन कम हो जाता है और सफेदी आती है बाल राइट सो ये चार मेन प्रोडक्ट है राइट एकदम आसान तरीके से आप समझ गए सो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए इस्तेमाल करवाइए लेकिन पहला प्रोडक्ट जो है वो है आपका लाइफस्टाइल को ठीक करना सही से पानी पीना जी, जी. और पूरी मतलब एक स्वस्थ जिंदगी जीना ताकि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो राइट ओके okay, सो so, uh, सस्मिता जी का एक uh, सवाल है Jesus. इसको के ही खत्म करेंगे आज सो थर्टी इयर्स एज के बाद टीथ आ रहा है उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है वो पेशेंट को हमारा कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए नो 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 दिस हैज टू बी ओनली डन बाय अ डेंटिस्ट एग्जैक्टली इट्स नॉट नॉर्मल हाँ डेंटिस्ट के को ही दिखाना पड़ेगा इसके लिए एक्टली exactly. और... जो एकदम अंदर के जो टीथ है वो निकल रहे हैं वो ज्यादा एज पे भी निकल सकते हैं एंड अगर जी. उसके वजह से पेन हो रहा है ऐसे पेन घटाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है जी, तो जी, आप एक डेंटिस्ट को दिखाने के लिए बोलिए वो समझेंगे उसको क्या करना चाहिए राइट right? यही मैं बताने वाला था तो मैम ने ऑलरेडी मैम एग्री है सो यही है जी सर ओके क्लोरोफिल जूस का यूज कैसे करना है क्लोरोफिल मॉर्निंग uh, में दीजिए आप पंद्रह एम जूस टू फिफ्टी एम पानी में मॉर्निंग में खाली पेट और डिनर के भी पहले ले सकते हैं सो so, खाली पेट देना है मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट इवनिंग में बिफोर डिनर फिफ्टीन फिफ्टीन एम एल टाइम्स पानी के साथ मिक्स करके So, दोस्तों बहुत सारे सवाल और एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के बाद अभी तो समय है इस जूम वेबिनार के को समाप्त करने का आई थिंक जितने सारे लोग सवाल किए हम लोग पूरे ही कवर कर पाए और जितने सारे लोगों का सवाल आई थिंक नहीं लिया गया चाहे वो प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने बहुत एलिबरेटली डिस्कशन किया था आपने मिस कर गए थे तो मैं चाहता हूँ या हम लोग चाहते हैं आप वो एपिसोड मिस ना करें तो इसीलिए अभी यूट्यूब चैनल पे जाइए और यूट्यूब चैनल पे वो सारे एपिसोड डाउनलोडेड है सो आप उसको देखिए और अपने सवालों के साथ साथ और भी ढेर सारे सवालों का जवाब लीजिए राइट तो YouTube चैनल में जितने सारे वीडियोस अपलोडेड होते हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग हैबिट बनाइए रात को एटलीस्ट एक, एक करके वीडियो खत्म करें क्या कितना का है 40, 45, 50 मिनट का एक एक का वीडियो है हम लोग एक मूवी रात भर देखते हैं दो घंटा ढाई घंटे <laughs> का है ना सो so, अपने बिजनेस के लिए अपने नॉलेज के लिए चालीस या 45 मिनट खर्चा करना ये कौन सी बड़ी बात है दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही स्की? सर आपने बिकॉज uh, जो लर्निंग की चाह रखते हैं वही आज यहाँ पर मौजूद है exactly. और उनको हम uh, एक सिंपल सोल्यूशन बता रहे हैं कि इस तरह से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं वेरी वेल सेट यस एग्जैक्टली exactly. सो so, और जितना सारा आप जितने सारे लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो एंगेज भी होगा और भी बहुत सारे लोगों के पास वो वीडियो पहुंचेगा जितना सारा एंगेजमेंट आप हमारे फेसबुक पेज में देंगे उतना सारा ज्यादा लोगों के पास हमारे फेसबुक पेज का मैसेजेस पहुंचेगा और हम लोग तो यही चाहते हैं दोस्तों आप लोग अपने प्रोफाइल में अपने व्हाट्सएप स्टेटस में अपने फेसबुक के वॉल में ये सारे पोस्ट शेयर कीजिए जैसे कल नए पोस्ट नए प्रोडक्ट का पोस्ट हुआ है रात को सो so, कितने सारे लोग उसको शेयर किए आप अभी जाके उसको अपने वोल्ड में शेयर कीजिए क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ाना है अल्टीमेट पॉइंट इज दैट आपका बिजनेस बढ़ाना है आपको इनकम करना है प्रोडक्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री राइट हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट सिर्फ अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट को और उसके लिए नॉलेज आप लोग ले रहे हैं सो अल्टीमेट वर्ड इज Your business एंड योर प्रोग्रेस आप कितना कमा रहे हो आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है आप अपने फैमिली में कितना खुशी दे पा रहे हो आप अपने फैमिली को लेके कितना घूमने के लिए जा पा रहे हो अपने जिंदगी को खुल के कितना परसेंटेज ऑफ मस्ती कर पा रहे हो यही अल्टीमेट बात है दोस्तों और इसके लिए हम लोग सर्वस कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं सो so, uh, बहुत सारे ऑफर्स इस मे महीने में ऑलरेडी एक तारीख का जो जूम वेबिनार था रात का आठ बजे का उधर स्टैंडर पूरा क्लियर कर दिए जो जितने भी सारे मई में महीने का ऑफर्स हैं आने वाले सो so, वो ऑफर्स को अगर आप लोग नहीं जानते हैं अभी यूट्यूब चैनल में जाके स्टैंडसर के एक तारीख का जूम वेबिनार को देखिए जहां पे वो पूरे ऑफर्स को क्लियर कर चुके हैं सो so, ये ऑफर्स बहुत ही एक्साइटिंग है दोस्तों इसको ग्रैब में कीजिए और आ, मतलब इस ऑफर को काम में लगाते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाइए रैंक को अचीवमेंट कीजिए बिकॉज नाइन्थ ऑफ जून तालकटोरा स्टेडियम में फिर से छह साल गिरा सिक्स ईयर ऑफ एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे हैं कई हजारों लोगों के साथ सो अगर आप भी उतने सारे लोगों के बीच में स्टेज में उठना चाहते हैं एमडी सर के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहते हैं सो अभी मे महीने का ऑफर काम में लगाइए सो यू ऑल ऑफ यू गाइज हमारे साथ रहने के लिए एपिसोड को कामयाब करने के लिए सक्सेसफुल करने के लिए थैंक यू रिद्धि मुलाकात होगा दोस्तों आप लोगों से इस चैट शो में अगले uh, सोमवार को और आई uh, थिंक अगले सोमवार को मैम का भी सेशन रहेगा हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर एंड स्पेशली आई रिक्वेस्ट नए प्रोडक्ट के ऊपर जो न्यूली लॉन्च सर्व फ्रेश स्लिम टी है उसके ऊपर मैम का टोटल एक घंटे का क्लास रहेगा सेशन रहेगा उसको जरूर अटेंड कीजिएगा और आज भी रात को सेशन है सो यू ऑल द बेस्ट आज के लिए बस इतना ही मुलाकात हो रहा है फिर इस एपिसोड में सोमवार को सो so, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए सर्वश्री के साथ रहिए सर्वश्री को फैलाते रहिए सभी मिलकर बोलते रहिए जय सर्वश्री थैंक यू Thank you, sir.